अस्सलाम वालेकुम। जो अभी अहमदनगर भल्लागुड़े में जो झगड़ा हुआ, मेरा नाम हबीब अब्दुलरहमान है, यह मेरा भैया हबीब मूसा। अभी जो मसला हुआ वो जो मेरे बारे में जो भी ये सब गैर गलत अफवाह जो बोल रही हम लोग, वो है ये है बोल के, ये सब गैर गलत बात है। ये अभी वहाँ पे जो भी मसला हुआ जो भी हुआ बोलना, सब घर कन बैठ के बच्चों को छेड़ना करना। हाँ, अभी हमारे सब बड़े आए घर के पास, वो बात को ख़त्म कर दिए। बात को ख़त्म करने के बावजूद भी उल्ला पूरे मिल के गैंग अटैक करे हमारे घर पे, जिसपे हमारे घर में लेडीज़ भी थे, उस पर सब जने थे। उल्ला आगे एकदम घर पे गैंग अटैक करे लोग, सेल्फ डिफेंस में हम करे। उसके बाद सेल्फ डिफेंस में जब हम उनको रोकना चाहे, हल्लू जो बोलना घरों में जाके सर फोड़ लिए, कोई कुछ कर लेके जाके हमारे बारे में गैर गलत बात बोल रही। इससे पहले भी हमारे घर के एक वीडियो बना के उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए थे हम, जिसके ये देखे वीडियो इंच। इसके बावजूद भी हम क्या करें, नहीं भाई बस्ती के हैं अपन, एक जगह रहने वाले पड़ोस है बोल के बात को हम ख़त्म कर दिए थे। फिर भी अब फिर हल्लो हल्लो जाने के बाद गुंडागर्दी करना, बच्चों को छेड़ना, घर वाले जा रहे हैं तो लोग बैटों से मार देना, बॉल से मार देना, फिर ये सब बेकार बात है। ये सब करने के बावजूद हमारे घर पर आके हमारे बड़े सब ख़त्म करने के बावजूद इन लोग हमारे घर पर अटैक करें, जिसकी तरफ से हम सेल्फ डिफेंस में असही साहब सामने थे। जो भी हुआ आपके लोगों के सामने है, वो उनके क्लिप है, उन लोगों के पास भी आप वीडियो देखे, पुलिस वालों के पास भी हो। अभी वो सब लड़ाई ख़त्म हो गई थी, उसके बाद जो सुल्तान नाम के जो स्टेटमेंट दे रही सबसे बड़े झूठे उनूच है। उन्हों आए बाद में थे पूरे ग्रुप को ले लेके, सुल्तान एक का नाम है, एक का नाम इमरान है, एक का नाम अहमद है, उल्ला पूरे आके हमारे घर पे अटैक करे। जो रिजवान का जो सिरपटा बोल रहे हैं उन्होंने घर में जाके फोड़ लिया ना, वो झूठ है, एक नंबर की झूठ है। आप उल्ला पुलिस वालों के पास वीडियो है, आप देख सकते हैं, एक नंबर के झूठ है। उल्ला जो जो भी उन लोगों के साथ हुआ वो सब उल्ला घर में कर लिया उसे, आप हमारे बारे में मालूम कर ले सकते। आज तक हमारी ज़िंदगी में पीएस की सीढ़ी नहीं चढ़े, पीटी केस नहीं है। आप बस्ती में मालूम कर ले सकते हैं कौन है, क्या है, कैसे है, सब आप लोगों को मालूम हो जाता है इंशाल्लाह। और इल्लों के नाम पे कितने कैसा है, कितने झूठे वो है लोग, तो मालूम हो जाता है इंशाल्लाह। पुलिस से गुजारिश है भाई, देखिए इंशाल्लाह हक का फैसला करिए इंशाल्लाह। डेली गली में क्रिकेट खेलना, डेली जा रहे तो लोगों को छेड़ना, औरतों को छेड़ना, कोई बड़ा ने छोटा ने सबको छेड़ना, और सब झूठ बात है। जो भी चाकुआ निकले वो निकले पुलिस वालों के पास, एस आई साहब के पास, वो वीडियो क्लिप है आप लोग देख सकते हैं। कोई चाकू नहीं निकली, कुछ भी नहीं निकली, उन्होंने खुद घर में गए जाके सर फोड़ ले कर लेके झूठे कंप्लेन कर रहे हैं। मैं खुद एक ड्राइवर हूँ, मैं काम पे जाता हूँ, मैं मेरा भाई बाउंसर है, उन्हें वो काम पे जाता, सब गैर गलत झूठे बातें हैं सब। इन लोगों का खाली बच्चों को छेड़ना, उनको घूरना, इनको घेरना, उनके वीडियोँ ले लिए, इनके ये ले लिए, ये सब गैर गलत झूठे बातें हैं इन लोगों के। ये सब बस्ती में आप लोग मालूम कर ले सकते हैं हम कैसे है, उन लोग कैसे है, वो सहमत का पूछ लो। उल्ला जितने भी है ना भाई, उन लोगों के बारे में आप मालूम कर सकते हैं। हमारे बारे में जो भी बात चल रही, जो भी मीडिया में करा, वो सब गैर गलत झूठे बातें हैं साहब। वो सब डीसीपी साहब से हमारी गुजारिश है साहब, जो भी है भाई आपका फैसला करिए इंशाल्लाह। देखिए अभी वो बात सब ख़त्म हो गई थी, हमारे बड़े आके सब कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए, सब हो गया। उसके बावजूद भी जाके उनका इतना गैर गलत तरीक़ा है, जाके कंप्लेन करे, फिर सबको ले लेकर हमारे घर पर आके गैंग अटैक करे, तो उसके बाद हमारे को भी उल्ला वो करे। उसके बाद हम MLC के कराने, अब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम हमारे बड़े बात कर लिए बोल के, हम क्या करें, हम MLC नहीं कराए, केस नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। अब जो अब उन्होंने हमारे ऊपर केस करे, हम भी बराबर अब उनके ऊपर केस करते हैं इंशाल्लाह। जो भी होता देखा जाएगा इंशाल्लाह।